और देखिए, ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की कंपनी नायका का आईपीओ आज से खुल गया है। रिटेल निवेशक इस आईपीसी में 1 नवंबर तक पैसा लगा सकते हैं और आईपीओ का प्राइस बैंड 1085 से 1125 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। कंपनी इस इशू से 5352 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है और एंकर निवेशकों के जरिए कंपनी 2400 करोड़ रुपए जुटाने में कामयाब हो गई है। शेयरों का फ्रेश इशू 630 करोड़ रुपए का है। ऑफर फॉर सेल 4721 करोड़ रुपए का है। नायका के इशू को लेकर ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज का नजरिया पॉजिटिव है और वो इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। और देखिए, नायका की आगे की योजना क्या कुछ है, क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, किन किन सेक्टर्स में उनको ग्रोथ यहां पर दिखाई दे रही है, मेरे साथ हमने कुछ देर पहले नायका की फाउंडर और सीईओ फाल्गुनी नायर से बातचीत की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुना देते हैं। हमने देखा है कि हमारा ग्रोथ टीयर 2 और 3 सिटी से काफी स्ट्रांग है, तो टीयर 1 सिटी अभी हमारा सिर्फ 40% ऑफ द बिजनेस, 40% जितना टीयर 1 सिटी से आता है और बाकी टीयर 2 और 3 सिटी में 60% ऑफ आर बिजनेस वहां से आ रहा है और वहां की ग्रोथ और ज्यादा है कंपेयर टू द टीयर 1 सिटी ग्रोथ। और ये कंज्यूमर अभी इंटरनेट और ई कॉमर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, ई कॉमर्स ग्रोथ इज ऑल्सो देयर और ई कॉमर्स पेनिट्रेशन भी बढ़ रही है। और नायका अब जो प्रोडक्ट्स पहुंचाती है इस सिटीज में वो उनके लिए पहले अवेलेबल ही नहीं था, तो हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, फैशन प्रोडक्ट्स है, उनकी डिमांड काफी स्ट्रांग है फ्रॉम टीयर 2 एंड 3 सिटी।